पटना में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई और इस बैठक में टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत शिक्षक संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में आगामी आयोजित आंदोलन को टीईटी शिक्षक संघ की ओर से समर्थन देने की सहमति बनी। बैठक समाप्त होने के बाद टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने बताया कि अब हम लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे और 11 जुलाई को विधानमंडल सत्र के दौरान घेराव करेंगे, साथ ही विधायकों और मंत्रियों के आवास का भी घेराव करेंगे। सरकार को सुननी ही पड़ेगी। हम लोग लगातार इस संशोधन से उब चुके हैं, इस नियमावली को वापस लेना होगा। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आप एग्जाम लीजिए, लेकिन इन नियोजित शिक्षकों का भविष्य अंधकार में मत कीजिए। हमारा अस्थाई करिए, हमारा समान काम समान वेतन करिए। आज माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव शत्रुघ्न बाबू के साथ टीईटी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई और बैठक में यह आम सहमति बनी कि माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में जो राजकर्मी के दर्जा के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन में टीईटी शिक्षक संघ के सभी सदस्य भाग लेंगे। हमारे सभी जिला कमेटियों ने, प्रखंड कमेटियों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है और हम बिहार के सभी 4 लाख शिक्षकों से अपील करते हैं, एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ, सरकार की जो तानाशाही है उसके खिलाफ आंदोलन में एकजुट होकर के सड़कों पर उतरें। विपक्षी दलों की शिमला में होने